भैया हो तो मैं कोई आपसे कुछ बात करूँ तो मैं पर्चा बताने का प्रयास करूँगा। उसे वो बोलवा दिया कि भैया जाओ चेक करो, मुझसे मतलब नहीं, लेकिन आप मुझे दलाल बता दें। दलाल बोला उतने में गाली सब हो जाती है। अब तक मैं नहीं चाहता, उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं छोटी चीज नहीं हूँ, उनके साथ हूँ तो वो बहुत छोटी चीज है मेरे आगे। रेडियो साहब बस इतना काफ़ी है, चाहे दिव्यराज हों चाहे डिप्टी सी एम हो, सब बढ़िया भागी करें। तो खुद को दलाल बताने पर नाराज होने वाले ये महाशय एसडीएम की गाड़ी लेकर कथित तौर पर वसूली करने निकल गए थे, वो भी एक बीजेपी नेता से। आरोप है कि इन्होंने खुद को सांसद विधायक का रिश्तेदार बताते हुए बीजेपी नेता की गाड़ी को 7 घंटे तक रोके रखा। खुद को एसडीएम से ऊपर बताने वाले शख्स की शिकायत करने पहुंचे बीजेपी नेता ने एसडीएम साहब को ही हड़का दिया। ये हरामखोर है कौन जिसकी इतनी हिम्मत की जवाब मेरी गाड़ी को सीज कर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भ्रष्टाचार क्यों फैलाया जा रहा है, मैं एक बात ही जानना चाहता हूँ। विधायक जी के रिश्तेदार, मैंने वीडियो विधायक जी को दिखाया। बीजेपी नेता इस मामले में आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैंने एक आज एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वच्छता की बात हमेशा की जाती है और अधिकारी जो आज वर्तमान समय में यहाँ है ये चारों तरफ दलाली का काम कर रहे हैं। एक दिन मेरा ट्रक जो शासकीय खाद्यान्न का परिवहन करता है लूप पेट्रोल टंकी में खड़ा था तो एक व्यक्ति एसडीएम की गाड़ी लेके गया और 7 घंटे तक मेरे गाड़ी को निरुद्ध करके रखा। 1 लाख रुपये से उसने डिमांड करना शुरू किया, बाद में 25,000 रुपये तक आया। बाद में जब उसको पूरे कागज दिखाए गए तब रात को 8 बजे मेरी गाड़ी छोड़ी। हालांकि एसडीएम साहब ने इस पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। एसडीएम की माने तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो की आप बात कर रहे हैं और ये वीडियो हमें जिनके द्वारा दिखाया गया है, मैंने उनसे कहा है कि इस वीडियो में मुझे ऐसा कोई गाड़ी की दिखाई नहीं दे रही है और उस व्यक्ति ने क्या पैसे मांगे अभी मैंने ये भी नहीं देखा। मैं उस वीडियो को देखूँगा और उसमें जो भी सख्तता होगी उस हिसाब से मैं निम्नानुसार कार्रवाई करूँगा। सर मतलब आपकी गाड़ी लेके और आपके नाम से वो धौंस दिखा रहा है कि मैं इस गाड़ी को जब्त कर दूंगा तो प्राइवेट व्यक्ति कैसे कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति कहीं कोई बात कह रहा है तो उस बात की सत्यता को परखने के बाद ही कुछ कार्रवाई करना चाहिए। पूरा मामला रीवा के जवा का है। फिलहाल वीडियो वायरल है और प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि एसडीएम साहब की गाड़ी लेकर कथित तौर पर वसूली करने वाला शख्स आखिर कौन है, किसका रिश्तेदार है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।